हेलो एवरीवन, सो आई एम अतुलम एंड आज हम लोग करंट अफेयर में पढ़ेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके दो पार्ट हो चुके हैं, अब ये तीसरा पार्ट है। तो जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चैनल में देख सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ बनाया गया है? ठीक है, चंडीगढ़ में बनाया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ में बनाया गया है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में बनाया गया है कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी। यह केंद्र अंतरिक्ष विज्ञान केंद्रम उपग्रह के विकास के में छात्रों को प्रशिक्षण देने, अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य चुनौतियों का सामना करने का उद्देश्य स्थापित किया गया है। यह आधुनिक केंद्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सैटेलाइट के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, एक नैनो उपग्रह है ये, ठीक है, जो 75वें स्वतंत्रता दिवस में अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले 75 छात्र निर्मित उपग्रहों में से एक है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? रुद्र लॉन्च किया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा इसे विकसित किया गया है। रुद्र एक सर्वर इंटरनल एक्सकॉन स्केलेबल प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी के वर्तमान पीढ़ी से आधारित सुरक्षित विश्वसनीय और ड्यूअल सॉकेट है जो तेज से गणना समर्थन देता है। इसकी कंप्यूटिंग क्षमता 3.6 टेरा 1 है। ठीक है, तो पहला भारत का स्वदेशी सर्वर कौन है? रुद्र। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हो गई है। ठीक है, ये एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ की? इसराइल ने पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक क्या किया है? परीक्षण किया है। ठीक है, ये किस किस की मंत्रालय की थी? तो अमेरिका के साथ किया था। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये सिस्टम में एल्गोरिदम है। ठीक है, एल्गोरिदम है जिसकी सहायता से सिस्टम में आने वाले खतरे की पहचान कर सकता है। ठीक है, एरो 3 वर्तमान में इसराइल के सबसे उन्नत लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका मकसद पृथ्वी वायुमंडल से बाहर प्लास्टिक मिसाइलों को रोकना है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइलों को, सॉरी। और रोकना है, ठीक है, कहाँ गया? तो सीधा है क्या, एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल किसकी है? तो इसराइल की है बस। ठीक है, कृत्रिम सूर बनाया है किसने? चीन ने बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। और AOS 04 ये इसरो का ने PSLV 4 के माध्यम से 2022 में पहला उपग्रह है ये जो लॉन्च करेंगे। ठीक है, PSLV C-52 रॉकेट श्रीहरिकोटा स्थित सेंटर से लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। इसरो के नए चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ है। ठीक है, कौन है? एस सोमनाथ है। ऑब्जर्वेशनल ये सैटेलाइट है EOS 04, इनका नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियो स्वार्म, नासा ने सूर्य की गतिशीलता के बारे में समझ को बेहतर बनाने में ऐसे दो साइंस मशीनों के चयन किया है। ठीक है, तो म्यूज का और हेलियोरम का, ठीक है, नासा ने किया है जो सूर्य के बारे में पता लगाएगा। ठीक है, हेलियो स्वार्म और म्यूज। और ह्यूमन
स्टेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर। तो ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान कार्यक्रम को ह्यूमन स्टेट सॉलिड रॉकेट बूस्टर की सफल स्थैतिक परीक्षण करना परीक्षण पूरा किया। ठीक है, बूस्टर इंजन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK-3 रॉकेट का हिस्सा है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष में ले जाएगा। गगनयान मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले GSLV Mark III है। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं क्या। ओके, तो क्या है वाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर, तो कौन है ये, कहाँ पे है, रूस। रूसी सुरक्षा बलों ने नया टोपरविल 16 स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है। ठीक है, इसका नाम है टोपोलेव ठीक है, द्वारा डिज़ाइन किया गया कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एजेंसी बनाया है। ठीक है, इसका नाम क्या है, वाइट स्वान ठीक है, रूस का है बस ये एक विमान है। डॉपलर मौसम रडार, ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 147वें दिवस कार्यक्रम के अवसर पर 14 जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान के राज्य मंत्री जयंतेंद्र के ने बेहतर अनुसंधान और परिचालन के विशेषण में चेन्नई डॉपलर मौसम रडार को समर्पित किए। ठीक है, आयनिस वाक्सीर ये कहाँ लॉन्च किया गया, आयनिस वाक्सीर मझगांव में, वाक्सीर का नाम सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जो गहरे समुद्र में एक शिकारी पर जाती है मछली की। ठीक है, UPI ऑटो पे, तो किस रिलायंस और NPCI ने मिलके एक UPI ऑटो पे की शुरुआत की है। ठीक है, INS रणवीर, तो INS रणवीर क्या है, मुंबई में नौसैनिक डॉकयार्ड में भारतीय सेना में बंदोबस्त पोत INS रणवीर को विस्फोट में तीन, यहाँ पे INS रणवीर में क्या हुआ, विस्फोट हुआ था जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे, 11 अन्य घायल हो गए। ठीक है, भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ठीक है, IBM पूरे एशिया के प्रशांत क्षेत्र में ग्राहक करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। गैसीय ग्रह, नासा के एक वैज्ञानिक पृथ्वी से लगभग 369 प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है, ये तो एक गैसीय ग्रह मिला है, इतने प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, और जो सूर्य के समान द्रव्यमान वाले तारे है, इसका नाम क्या रखा गया, TOI-2180B रखा है। और हवांसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल, ये किसकी है, नॉर्थ कोरिया की है। ठीक है, उत्तर कोरिया की प्रशिक्षण किया है। ठीक है, इसकी मार्ग क्षमता 2000 किलोमीटर है, हवांसोंग। INS निशंक और INS अक्षय, ठीक है, मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड पर सेवा मुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है, खैबर बस्टर मिसाइल, तो ये ईरान ने बनाई है, किसने बनाई है, ईरान ने दोनों एक खैबर बस्टर मिसाइल बनाई है। ठीक है, और सीडोम वायु सुरक्षा प्रणाली किसकी है, इसराइल की है। ठीक है, इसराइल की पे आयरन डोम भी है और सीडोम भी है। ठीक है, ठीक है, और उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र
उत्तर भारत का प्लेयर एक्सचेंज कहाँ बनाया गया? जम्मू में बनाया गया, इम्पोर्टेंट है, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनाया गया। तो पहला अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, ये सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में अवतरण किया। यह इसरो के साथ भू स्तरीय सुविधाओं को स्थापित करने पर, ठीक है, 60 छात्रों के साथ पहला पाठ्यक्रम के साथ। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगा सरकार के सहयोग से हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट इस सेंटर पर अगले 15 वर्षों में 15,000 करोड़ एस करेगी। हैदराबाद में स्थापित हो रहा नया डाटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया है? तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में बनाया है माइक्रोसॉफ्ट, बस, ठीक है। इसमें 15,000 करोड़ निवेश किए करेंगे 15 सालों में, ठीक है। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, DRDO कर्नाटक बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला में, ठीक है, तो कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम DRDO द्वारा कहाँ पे शुरुआत की गई है? बेंगलुरु में शुरुआत की गई। किसने उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह ने, ठीक है। क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक प्रयागराज, भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक QKD लिंक का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पे? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है। ये किसके से? DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर किया है, ठीक है। ये क्या है? टैंक रोधी मिसाइल हेलेना, ठीक है। ये स्वदेश में ही विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली टैंक रोधी मिसाइल है। कौन है? हेलेना, ठीक है। और विश्व के अत्यधिक टैंक भेदी मिसाइल में शामिल हेलेना का यह प्रशिक्षण स्वदेश निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर, ठीक है, से लद्दाख, ध्रुव भी स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर से लद्दाख की ऊंचाई वाले इलाके में लक्ष्य दाग कर किया गया। दागो और भूल जाओ, ठीक है, प्रणाली पर यह काम करती है। ये 7 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी। सैन्य उपग्रह नूर 2, तो नूर 2 किसका है? ईरान, ठीक है, नूर 2 एक ईरान का है, ठीक है, उपग्रह नूर 2 नाम रखा गया है, ठीक है। इससे पहले नूर 1 भी लॉन्च किया था। और चीन ने पहली बार एक साथ किए 22 उपग्रह लॉन्च, ठीक है, सबसे 22 उपग्रह एक साथ लॉन्च कर दिए। ICGS में ICGS की 105 मीटर समुद्र के गश्तों के पोत है सक्षम को गोवा कमीशन दिया। 105 मीटर लंबे OPV ऑफशोर पेट्रोल वेसल को गोवा स्वदेश लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन तैयार किया गया। RS-28 समृद्ध मिसाइल, RS-28 समृद्ध मिसाइल के सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। गाओफेन 3 उपग्रह, ठीक है, चीन ने अपने एक नए पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह मार्च 4 में नामांकन के जिंगजुआन उपग्रह का प्रशिक्षण केंद्र किया। Gaofen 3 उपग्रह चीन ने लॉन्च किया, ठीक है। शकुंतला उपग्रह भारत के इसरो ने किया, ठीक है, ये भारत अंतरिक्षी तकनीकी स्टार्टअप पिक्सेल ने किया शकुंतला उपग्रह। पहला पूर्ण विकसित वाणिज्य उपग्रह एलन मक्स द्वारा संचालित SpaceX Falcon 9 रॉकेट ट्रांसपोर्टर 4 के कैम के कॉर्नवेल अमेरिका से लॉन्च किया है, ठीक है। शकुंतला उपग्रह पिक्सेल ने लॉन्च किया है और अमेरिका से लॉन्च किया, वो भी एलन मस्क की कंपनी
स्पेस एक्स की मदद से किया है। आयरन बीम किसने बनाई है? इसराइल ने बनाई है। ठीक है, इसराइल विश्व में पहली बार लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर दिया है। ठीक है, ये दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जिससे इसराइल ने आयरन बीम नाम दिया है। ठीक है, अभी सी डोम था, आयरन डोम था, अब आयरन बीम भी है, सब इसराइल का है। ठीक है, सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेजिमेंट, सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेजिमेंट कहाँ पे आया? यह है क्या है, DRDO ने किया। ठीक है, ये बूस्टर तकनीक का उड़ीसा तट के चांदीपुर से परीक्षण किया है, परीक्षण किया है। ठीक है, ये भारत और रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर एक बनाया है, इसके रैम जेट इंजन पर आधारित है ये। ठीक है, उन्नत हेलीकॉप्टर MK3। ठीक है, भुवनेश्वर की नवीनतम उन्नत MK3। ठीक है, शुक्रयान वन इसरो, इसरो क्या कर रहा है, शुक्रयान वन को 2024 में शुक्र ग्रह पे अध्ययन हेतु शुक्रयान वन भेजने की घोषणा की है। ठीक है, शुक्रयान वन कहाँ जाएगा, शुक्र में जाएगा, 2024 में जाएगा, इसरो द्वारा भेजा जा रहा है। ठीक है, इतनी करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, 2024 धरती भी हद निकट होगा, छोटा पड़ेगा, अगली बार ऐसा मौका 2031 में आएगा। ठीक है, भारतीय तट रक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह गुजरात के भरूच में भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया है। ऊर्जा प्रवाह को एक पोत है ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह कोच्चि पहुंची तट रक्षक। ठीक है, ये नया जहाज तट रक्षक जहाजों को रसद सहायता पहुंचाएगा, मतलब खान पीन। ठीक है, एक्सियोम मिशन किसका है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। ठीक है, ये पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है जो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में पहली निजी क्रू जाएगी। ठीक है, और एक्सियोम मिशन वन AX-1 के रूप में भी जाना जाता है। यह ह्यूस्टन स्टाफ एक्सियोम स्पेस वन अंतर्राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया गया, फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेल में फिर लॉन्च किया। मिशन में स्पेस एक्स क्रू रहेगा। चलो, ये काम का नहीं है अपने। हंसा एनजी क्या है? CSIR द्वारा विकसित दो सीट डिज़ाइन वाला उड़ान पर्यवेक्षक विमान है। ठीक है, हंसा एनजी। ठीक है, हंसा एनजी है विमान। INS सूरत और INS उदयगिरी, तो ये जो